नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि कुलदेवी की मंदिर की पूजा करने के लिए जो कि लक्ष्मी के साथ में एक बार फिर से एक ऐसा हादसा होने जा रहा है कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से दादी माँ ने ऑर्डर दिया था कि सुहागन ही जा सकती है और उसके साथ में जो कि कोई नहीं जाएगा बल्कि साथ में ऋषि और लक्ष्मी दोनों ही पूजा करेंगी। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से घर में एक शादी समारोह का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन दोस्तों इधर आप लोग देख पाएंगे कि मलिष्का अपनी चाल चलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि अपनी चाल इस तरीका से चलेगी कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी इस पूजा को पूरी ना कर पाए। लेकिन पंडित जी का जिस तरीका से कहना था कि मार्कस दोष लगा हुआ है और वो मार्कस दोष का भी अब लक्ष्मी को पता चल गया कि वो कोई और नहीं है बल्कि वो घर में रहने वाली ही मलिष्का है। क्योंकि मलिष्का जब जब ऋषि के पास में अकेली खड़ी नजर आती है तो ऋषि की जान को हमेशा से ही खतरा रहता है, और अब लक्ष्मी समझ जाएगी कि लक्ष्मी से दूर करना ही पड़ेगा ऋषि को, क्योंकि ऋषि दूर रहेगा तो सेफ रहेगा, लेकिन अगर मलिष्का के साथ में है तो किसी भी तरीका से कभी भी ऋषि की जान को खतरा बन सकता है। सो अपकमिंग एपिसोड वाकई में काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा। हालांकि बात की जाए ऋषि की मॉम नीलम की, तो नीलम कभी भी लक्ष्मी को ना ही उसने समझा और ना ही कभी समझेगी, लेकिन कुछ घर वाले को पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरीका से मलिष्का और लक्ष्मी के बीच में फाइट होगी, लक्ष्मी सभी घर वालों के सामने ये बताती हुई नजर आएंगे कि जब जब मलिष्का ऋषि के साथ में होती है तब ही ऋषि की जान को खतरा होता है, और यही इस घर के लिए सही पूछो तो एक ग्रह है। जी हाँ, जिसके बाद में कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन दोस्तों ऋषि की मॉम को बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और ऋषि की मॉम जो कि फिर से मलिष्का को सपोर्ट करेंगे और लक्ष्मी को बातें बताती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए।